ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी जैसे कि मैंने को आपको बताया कि किसी भी क्वेश्चन को दो तीन तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू द यू नो एनसीईआरटी और टेंथ स्टैंडर्ड आप जो बेसिक तरीका है वही समझो। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, जैसे नॉर्मल मैथ्स में एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लो, नॉर्मल कैलकुलेशन, नथिंग ऐसी। नीचे एलसीएम ले लिया, वन प्लस साइन है और कॉस है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर क्या आएगा। एलसीएम लेना तो सबको आता ही है, नहीं भी आता तो मैं हमेशा ये कहता हूँ बच्चों को एलसीएम ले रहा हूँ इसमें, कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो सबको आती हो और आपको नहीं आती हो तो शर्माया मत करो, बोल दिया करो। चलो ये हो गया, अब ये इसको इसको ये होल स्क्वायर है वन प्लस साइन का, इसको खोल दो तो ये कॉस स्क्वायर है तो एज इट इज, पर इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी कि टू ए टू इंटू वन टू और बी यानी ए यानी टू साइन ए, सीधे फॉर्मूला लगाया बस इस पर। और नीचे तो वो चल ही रहा है कॉस ए और वन प्लस ब्रैकेट में साइन ए, तो सॉल्व कर रहा हूँ नॉर्मल मैथ्स की तरह। अब देखो एक सेकेंड, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? ब्लू कलर का पेंसिल बताता हूँ। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये वही चल रही है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वन हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक वन और इन दोनों को आइडेंटिटी का आंसर भी वन, तो वन प्लस वन टू, तो ऊपर बनेगा टू प्लस टू साइन ए और नीचे तो वो है ही कॉस ए ब्रैकेट में वन प्लस साइन ए। अब आपको समझ आ गया होगा कैसे सॉल्व होगा। अब बस यहाँ से टू कॉमन ले लोगे, मैं मिटा के दिखाता हूँ आपको। तो ये यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया टू प्लस टू साइन ए, अब इसके ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में से टू कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, टू वन प्लस साइन ए और नीचे कॉस ए वन प्लस साइन ए तो चल ही रहा है, अभी ये वन प्लस साइन ए और वन प्लस साइन ए कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, टू अपॉन कॉस ए, और कॉस ए किसका रेसिप्रोकल होता है, सेके का, तो ऊपर जाके सेके हो जाएगा तो हमारा गया टू सेके। तो देखो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव कर दिया हमने, था ना इजी। तो ऐसे बस नॉर्मल मैथ्स हम प्रूव करते हुए चले गए, बाकी एंगल पुट करके भी कर सकते हैं, बट अभी आप उसमें ना ही घुसो, बड़ी क्लास में करेंगे वो सब बातें, ठीक है। तो टू सेके हमने प्रूव कर दिया।